चलिए बात खानपुर की, जहां पर लठौरा की हिमगिरी स्पोर्ट कॉलेज में खानपुर विधायक उमेश कुमार ने कॉलेज में हो रही T10 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन फीता काटकर किया। साथ ही कॉलेज में प्रदेश स्तर पर प्रतियोगिता में खेलकर स्कूल के लिए स्वर्ण पदक जुटाने वाले छात्र छात्राओं को विधायक ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान कॉलेज के प्रबंधक लेफ्टिनेंट विक्रांत कौशिक ने कहा कि हिमगिरी कॉलेज हमेशा से ही बच्चों के लिए खेल में प्रोत्साहित करता है। क्रिकेट टूर्नामेंट के बाद स्कूल में ही कबड्डी, खो खो, क्रिकेट आदि खेलों में भी स्कूल बच्चों के लिए पूरी सुविधाओं के साथ टूर्नामेंट भी कराएगा। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है आयशा रहमान और मैं बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ। स्कूल का नाम है मेरा हिमगिरी एडवांस स्टडीज एंड स्पोर्ट्स स्कूल। और सबसे पहले मैं जो थैंक यू बोलना चाहूँगी वो अपने पापा को बोलना चाहूँगी, क्योंकि इनकी वजह से मैंने आज स्टेट का गोल्ड मेडल लिया है। इंशाल्लाह अगली बार मैं नेशनल का भी गोल्ड मेडल लाऊंगी। और मेरे पापा मुझे बहुत सपोर्ट किया, मतलब युवा बच्चे आते हैं और उनको सुविधाओं का अभाव है, खासतौर पर हरिद्वार जनपद की पूर्ण रूप से अनदेखी है, सरकार इसके प्रति उदासीन है, जो बहुत गलत रवैया है सरकार का। मेरा सरकार से निवेदन है कि युवाओं को सुविधाएं उपलब्ध कराएं ताकि वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर सकें। धन्यवाद। अवेटेड था क्रिकेट टूर्नामेंट हिमगिरी में, हमने अभी ग्राउंड भी मेंटेन कराया है और विधायक सर ने हमें आश्वासन भी दिया है कि यहाँ एक फ्लड लाइट की व्यवस्था भी वो कराएंगे। और हिमगिरी हमेशा से ही खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देता है, हमारी बच्ची आयशा रहमान और जो ये बच्चा रोहित ये विजयी होके आए हैं टूर्नामेंट से, वो यही हमारी उपलब्धि है कि हम खिलाड़ियों को हमेशा प्रोत्साहित करते हैं और एरिया का हर एक बच्चा निःशुल्क यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आ सकता है।